नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। यूपी के बदायूं में कुएं से ईंटें निकालने गई युवती मलबे में दबी, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें, इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नोना में कुआं में घुसकर ईंट निकालने गई युवती दब गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन युवती की हालत नाजुक होने पर उसे चंदौसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला जनपद बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां नोना गांव के रहने वाले एक किसान की बेटी कुएं में ईंटें निकालने के लिए घुसी थी। जब वे कुएं से ईंटें निकाल रही थी, तभी भरभराकर कुएं की ईंट और मिट्टी युवती के ऊपर गिर गई, जिससे युवती नीचे ही दब गई। जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, तब आनन फानन में ग्रामीणों ने प्रशासन को इस घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रशासन काफी देर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। तो ग्रामीणों ने देर न करते हुए कुएं के आसपास खुदाई शुरू की। घंटों ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन युवती की हालत बिगड़ती देख उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। बाद में उसे चंदौसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। देखिए, ये ग्राम नौनी थाना इस्लामनगर में है। यहां आज सुबह 8 बजे के लगभग एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, ये अपने घर के बाहर एक कच्चा कुआ था, उसमें ईंटें निकाल रही थी और इसी दौरान मिट्टी की ढांग उसके ऊपर गिर गई, जिससे वो दब गई। ये सूचना पुलिस की मिली थी। तत्काल पुलिस के लोग और गांव वालों ने उसको निकालने की कोशिश की और उसको निकाल लिया। निकालने के बाद उसको उपचार के लिए चंदौसी ले गए, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। चंदौसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उसकी मृत शरीर को यहाँ पर गाँव में ले आए हैं। पारिवारिक जनों से वार्ता की जा रही है, यदि उनके द्वारा तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर इसकी मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।